अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चने की दाल की रेसिपी दे रही हूँ और बड़े मज़े की बनती है, अचारी सी होती है और स्पाइसी। आप स्पाइसी जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हम लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते इसलिए मैं कम स्पाइसी रखूँगी, लेकिन आपको मैं ऑप्शन ज़रूर दूँगी कि आप लोग अगर स्पाइसी इतने इंक्रीज़ करना चाहें तो कर लें। अच्छा, मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल लिया और उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज फाइनली चॉप करके डाल दी, ठीक है। अब उनको मैं लाइट गोल्डन करूँगी। अच्छा, दाल को मैंने आधा किलो दाल ली है और वो कम उसको मैंने 15 से 20 मिनट पहले भगो दिया, उसको वॉश करके उसको भगो दिया। भगोने से ये होता है कि फिर बड़ी अच्छी आपकी जो है वो नरम दाल बनती है। अच्छा जी, ये देखिए हमारे प्याज जो है लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो रहे हैं, लाइट गोल्डन हो रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 अपने टमाटर चॉप करके। साथ ही इसमें 1 कप पानी डाल दें ताकि आपका मसाला जले ना। अब इसमें हम अपनी सीजनिंग्स डाल देते हैं साथ ही। 1 टीस्पून स्लाइटली हीप्ड हम नमक डालेंगे क्योंकि आधा किलो दाल है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर स्लाइटली हीप्ड, ये इसमें रोस्टेड नहीं है, भुना हुआ नहीं है, खाली पिसा हुआ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ठीक है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, अब मैं इसमें मसाला जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, नेशनल का अचार गोश्त। ये इसका नेशनल का जो अचार गोश्त है वो बेटर है शान वाले से, तो ये बहुत मज़े का बनता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग अब्रॉड देख रहे हैं अगर उनको ये अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों के पास यूजली जो है सऊदीया या जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ मेहरान के मसाले अवेलेबल होते हैं, तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 टीस्पून स्लाइटली हीप में ये अचार गोश्त का मसाला डालेंगे, बहुत मज़े का इसका अचार ही सा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर भी जाएगा। अच्छा, मसाला आप लोगों ने अच्छी तरह उसको भूनना है, कच्चा नहीं छोड़ना, साइडों से आपके ऑयल आ जाए सारा निकल आए, ऑन द सरफेस आ जाए और आपके जो टमाटर हैं वो सारे मुशी हो जाए। टमाटरों को आप इस तरह करते जाएं, दबाते जाएं ताकि वो मसाला आपका जो है एक होमोजीनियस सा मिक्सचर बने, मतलब यकजान जिसको कहते हैं। ये ना हो प्याज अलग नज़र आ रहे हो, टमाटर अलग नज़र आ रहे हो दाल में, वो मज़ा नहीं देता। इसकी भुनाई अच्छी तरह करनी है मसाले की, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। अच्छा, आप लोग अगर चाहें तो टमाटर जो है वो चॉप करके भी डाल सकते हैं चॉपर में, ब्लेंडर में पेस्ट नहीं बनानी, चॉपर में मोटे मोटे बगैर जो पानी के आप पेस्ट बनाते हैं वो डाल सकते हैं। वरना ये कि छिलके इनको बॉईल करके टमाटरों को, फ्रेश टमाटर ला के वॉश करें उनको बॉईल करके तो छिलका उतार लें, वो भी डाल सकते हैं। आपकी ऑप्शन आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये तो आपके पर्सनल उस पर टेस्ट पर डिपेंड करता है ना, द वे यू लाइक इट। जी देखिए, मसाले ने हमारे साइड से ऑयल छोड़ दिया सारा और एक हमंगस सा मिक्सचर बन गया। अब हमने अपनी जो दाल हमने भिगोई हुई थी हम वो डालेंगे। ये देखें जी, दाल मैंने डाल दी इसमें। अब दाल को थोड़ा सा भुना मैंने और बस इसके अंदर अब मैं स्लाइटली वार्म वाटर 4 से 5 कप ताकि अच्छी तरह गल जाए दाल के पानी डाल के, फिर मैं इसको बिल्कुल लो हीट पर रख दूँगी ताकि आराम से अच्छी तरह गल जाए। जब दाल गल जाएगी तो दाल फ्राई बनाने का भी तरीका है कि इसके ऊपर पे अलग तड़का लगता है, वो आप घी से बना सकते हैं और या आप असली घी से बना सकते हैं या डाइट कॉन्शियस हैं तो ऑयल से बना सकते हैं। बस अब इसको मैं अंदर इसके अंदर पानी डाल के और बिल्कुल लो हीट पर रख दूँगी और जब ये रेडी हो जाएगी तब मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी इंशाल्लाह। ये देखिए जी, हमारी फाइनल लुक है दाल की। मैंने इस पर प्याज का तड़का और कड़ी पत्ते का तड़का दिए और बस इसको मैंने हरे धनिया से गार्निश कर दिए। आप चाहें तो हरे धनिया से के अलावा हरी मिर्चें भी ऊपर डाल सकते हैं और अदरक बारीक कटी हुई भी डाल सकते हैं। इसको हमेशा लेमन स्लाइस के साथ सर्व करें। आई होप यू लाइक द रेसिपी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।